हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर वीकेंड मैं आपके लिए वीकेंड बोनस लेकर आती हूँ, जिसमें मैं आपको देश दुनिया की अलग अलग जगहों से रहस्यमय कहानियाँ और घटनाएँ, जो कि बिल्कुल सच्ची होती हैं, लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही मनोरंजक वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, आज हम जिस भयानक क्रिएचर के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो बहुत ही फेमस है और इस पर हॉलीवुड में कई पिक्चरें बनी हैं, बहुत सारी फिल्में। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं वेयरवुल्फ की। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वेयरवुल्फ्स की असली कहानी, वो कहाँ ओरिजिनेटेड हुए थे, वो कैसे दिखते हैं, उनके क्या लक्षण हैं और उनके बारे में कई ख़तरनाक फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। वेयरवुल्फ्स एक तरह के पौराणिक जीव हैं, जो आधे इंसान हैं और आधे भेड़िए हैं। इन्हें देखने से ही पहचाना जा सकता है, क्योंकि ये ना तो पूरी तरह इंसानों जैसे दिखते हैं और ना ही पूरी तरह भेड़ियों जैसे। पर हाँ, इनके पास इंसानों का दिमाग होता है और भेड़िए की शक्ति, इसलिए इन दोनों चीज़ों के मिल जाने से ये एक ऐसे खौफनाक, ख़तरनाक और मज़बूत क्रीचर बन जाते हैं, जिनसे लड़ पाना या जिनको हरा पाना एक आम इंसान की बस की बात बिल्कुल नहीं है। दिन के वक्त ये किसी भी एक आम इंसान जैसे दिखते हैं, उनके जैसी ही हरकतें करते हैं और उनके जैसे ही बात भी करते हैं। पर रात के वक्त और अक्सर पूर्णिमा के रात ये एक भयानक भेड़िए में बदल जाते हैं और अपने शिकार को दबोच लेते हैं। वेयरवुल्फ्स हालांकि ख़तरनाक होते हैं और लोगों को मारने के लिए प्रसिद्ध हैं, पर वो ऐसे ही किसी को नहीं मारते। हाँ, वो तब किसी को मारते हैं जब किसी ने उन्हें गुस्सा दिलाया हो, या उनकी किसी के साथ दुश्मनी हो, या फिर किसी ने उनके जैसे ही किसी उनके साथी को मार दिया हो। अगर हम बात करें वेयरवुल्फ्स के ओरिजिन की, तो इसके बारे में भी हमें कई पौराणिक कथाएँ मिलती हैं और हर पौराणिक कथा की अपनी अपनी एक अलग धारणा है। अगर ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार अगर हम बात करें एक वेयरवुल्फ के ओरिजिन की, तो ग्रीक मैथोलॉजी का कहना है कि द लीजेंड लाइकोन, जो कि पेलागस के बेटे थे, उन्होंने सारे देवताओं के सबसे ऊंचे देवता, सबसे बड़े देवता को नाराज कर दिया था, जिनका नाम ज्यूस था। आप जानते ही होंगे, ग्रीक के सबसे महान और पवित्र देवता ज्यूस को माना जाता है, जिन्हें हम सूर्य देवता कहते हैं। कहा जाता है लाइकून ने ज्यूस देवता को एक बलि चढ़ाए हुए लड़के की बचे हुए शरीर के भाग भेंट किए थे, जिससे वो बेहद नाराज़ हो गए थे। और नाराज़ होने के बाद उन्होंने लाइकून को एक शाप दिया और उस शाप की वजह से लाइकून और उसके बेटे वेयरवुल्फ्स में बदल गए। एक और कहानी सागा ऑफ वल्संग्स के अनुसार नॉर्डिक लोक कथाएं बताती हैं एक ऐसे बाप और बेटे के बारे में, जो जंगल में घूमने के शौकीन थे और साथ ही साथ उन्हें शिकार खेलना बेहद पसंद था। इसी तरह एक बार जंगल में घूमते हुए उन्हें कुछ भेड़ियों की खाल दिखाई पड़ी। ये कोई आम भेड़िए की खाल नहीं थी, बल्कि इनमें विशेष शक्तियाँ थीं। ये भेड़िए की खाल ताकत रखती थी किसी भी आम इंसान को वेयरवुल्फ में बदलने की। उन दोनों ने उस खाल को पहना और जंगल में शिकार के लिए निकल गए। ये खाल किसी भी इंसान को 10 दिन के लिए एक भेड़िए में बदल सकती थी। जब उन दोनों बाप बेटों ने इस खाल को पहना, तब वो भी एक भेड़िए में बदल गए। वो लोग जंगल में शिकार पर गए थे, पर बहुत देर तक इधर उधर घूमने के बाद, जानवरों की हत्या करने के बाद, आखिरकार उनके शिकार का अंत एक दूसरे से लड़ने के बाद हुआ। पिता ने अपने ही बेटे पर हमला कर दिया और उसे बेहद गहरी चोट लगी। ऐसी गहरी चोट लगने के बाद उसका बेटा सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि एक दयालु पक्षी ने उसे एक चमत्कारी पत्ती दी, जिससे उसके सारे घाव पल भर में ही ठीक हो गए। दोस्तों, भेड़ियों के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं। वेयरवुल्फ्स के प्रकार उनकी अपनी शक्तियों की वजह से या फिर
उनके ओरिजिन की वजह से बनते हैं। कुछ वेयरवुल्फ ऐसे होते हैं जो जन्म से ही वेयरवुल्फ पैदा होते हैं, और कुछ वेयरवुल्फ के काटने से वेयरवुल्फ बन जाते हैं, और इसी तरह से इन्हें अलग अलग टाइप्स में बांट दिया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें वेयरवुल्फ के दुश्मनों की, तो हाँ, इनके दुश्मनों में वैम्पायर्स का नाम सबसे ऊपर शुमार होता है। लोग कहते हैं कि पुराने वक्त में वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ दोनों का एक दूसरे के साथ शिकार के लिए अक्सर झगड़ा होता था। ये दोनों एक दूसरे से अक्सर शिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें वेयरवुल्फ के कमज़ोरियों की या फिर उन्हें मारने की, तो कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जो वेयरवुल्फ को डराती हैं या कमज़ोर बनाती हैं। पहली चीज़ है, उनमें से एक खास पौधा जो अक्सर जंगलों में मिलता है, अगर उस पौधे को आप अगर अपने पास रखें तो वेयरवुल्फ आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि वो उसकी स्मेल से डरते हैं। और इसके साथ ही दूसरी चीज़ जिसे हम सब जानते हैं, वो है चांदी। चांदी से वेयरवुल्फ बहुत डरते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नमक भी वेयरवुल्फ का जानी दुश्मन होता है। अगर वेयरवुल्फ को चांदी की गोलियों से मारा जाए तो वो आसानी से मर सकते हैं, पर हाँ, आपको उन्हें मारने के लिए कितनी गोलियाँ चाहिए होंगी, ये बात डिपेंड करती है कि वो वेयरवुल्फ कितना पावरफुल है। इसलिए अगली बार आप जब भी जंगल में जाएं, अपने साथ चांदी का कोई गहना ज़रूर रखें। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टोरीज़ बाई गरिमा कुशवाहा को, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।